हर साल की तरह आध्यात्मिक गुरु कृष्णा मिश्रा ने इस साल भी गणेश स्थापना के अवसर पर कुष्ठ आश्रम में विशेष आरती का आयोजन किया। डॉक्टर कॉलोनी स्थित कुष्ठ आश्रम में गणेश स्थापना के अवसर पर आध्यात्मिक गुरु कृष्णा मिश्रा ने आरती पूजा की। इस अवसर पर गणपति बप्पा के उद्घोष के साथ गणेश आरती की गई, जिसमें सभी कुष्ठ रोगियों ने भाग लिया। पूजा के मंत्र पंडित भवानी शंकर जी ने उच्चारित किए। इस दौरान कृष्णा गुरु जी ने गणेश आरती के साथ मानवीकरण संदेश दिया, जिसमें मानव सेवा, नेत्रदान और कुष्ठ रोगी सेवा की महत्ता पर जोर दिया। पूजा के अंत में कुष्ठ रोगियों की मदद के लिए विघ्नहर्ता 2024 की ट्रॉफी से गंगाराम को सम्मानित किया गया। वहीं गणेश भजन और गणेश ध्यान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान कृष्णा गुरुजी और सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अनिल कुमार भारती, मंडलोई, मीता चंद्र सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। आज से गणपति के 10 दिन से उत्सव चालू हुए हैं शहर में। सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस वर्ष की हर वर्ष की तरह हमारी गणेश स्थापना कुष्ठ आश्रम ये डॉक्टर कॉलोनी में जो है वहाँ से शुरू करते हैं। और इस साल हमने नया ये करा है कि शहर के 10 विघ्नहर्ता, गणेश जी हमेशा विघ्नहर्ता हैं, तो अलग अलग वर्ग के विघ्नहर्ताओं को हमने अवार्ड दिया है विघ्नहर्ता 2024 का। प्रथम आज गणेश की आरती गान के साथ अंधन को आँख देत, कोणन को काया, मांझन को गर्भ देत, निर्धन को माया, इसको मानव सेवा से भी जोड़कर हमने कुष्ठ सेवा सदन में आकर गंगाराम जी का स्वागत किया, गंगाराम जी को ट्रॉफी से नवाजा और इनके माध्यम से संदेश दिया कि गणेश जी कहीं नहीं है, गणेश जी आप में मौजूद हैं, आपके सेवा भाव में मौजूद हैं। गणेश जी की बात स्वीकार करके, उनकी आकृति से सीखकर अपने जीवन को ज्ञानमय बनाए, बुद्धिमय बनाए और सेवामय बनाए, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 18 साल की उम्र है, बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है 12 साल का हूँ मैं आज। इससे मेरी मतलब ये आत्मा की जो ये रहती ना क्षमता, वो बढ़ गई है। और अच्छा लग रहा है कि सभी ऐसे कार्य करें, सब एक दूसरे को साथ दें, आते समय जाते समय किसी को सुख पूछते रहो, तो उसी में जीवन है। नहीं तो खाना पीना तो सभी करते हैं, जानवर भी खाते, आदमी भी खाते। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मेरे जैसे आप सभी लोग करते रहेंगे कि हमको भी ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए, ये समझ के अपना काम करते रहे निस्वार्थ से, तो सभी में सुधारना होगी।